फिर से एक नई कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है कछुआ और बगुले। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ वहाँ पर रोज पानी में खेलता, घूमता, कभी कभी बाहर आकर हवा में मजे करता। उसने देखा उस तालाब में रोज दो बगुले आते हैं और फिर पानी पीते हैं, कुछ दाना वाना चुगते हैं और फिर उड़कर चले जाते हैं। अब तो कछुआ उनसे दोस्ती करने लगा। कछुआ उनसे पूछता, भाई तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो? बगुलों ने बताया कि हम रोज उड़कर यहाँ आते हैं, ऐसे ही दूसरे तालाब में भी जाते हैं, दूसरे बगीचे में भी घूमते रहते हैं। कछुए का तो अब मन करने लगा, कैसे मैं भी उड़ूं और कैसे नए नए तालाब, नई नई जगह देखूं। अब वह बगुले से दोस्ती करके पूछने लगा कि भैया और क्या क्या वहाँ है। उन्होंने कहा कि बस यही है, खेत खलिहान, बाग बगीचे। अब कछुए ने पूछा कि जब आप हवा में उड़ते हो तो कैसा लगता है? उन्होंने बताया, हवा में, ठंडी ठंडी हवा में बड़ा मज़ा आता है। अब तो कछुए का भी मन करने लगा, मैं भी कभी उड़ूँ, हवा में सैर करूँ। उसने बगुले से जिद करनी शुरू की कि बगुले भाई मुझे भी एक दिन ले चलो, मैं भी हवा में, आकाश में उड़ के सैर करना चाहता हूँ। बगुलों ने उसे समझाया कि भाई तुम कैसे उड़ोगे, तुम्हारे पास तो पंख नहीं है और हम तुम्हें संभाल कर पकड़ कर नहीं ले जा सकते। किंतु कछुआ तो मानने वाला ही नहीं था। उसे रोज अब घूमने की जिद सवार थी। रोज जिद करता कि मैं भी घूमना चाहता हूँ। बगुले ने बहुत समझाया, जब वो नहीं माना तो दोनों बगुलों ने आपस में सोचा क्या किया जाए कि इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। आखिर उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे, जिसे आपस में एक एक छोर को मुंह में पकड़ लेंगे और बीच में कछुए को पकड़ने की सलाह देंगे। वे एक लकड़ी का टुकड़ा खोज कर लाए और कछुए को समझाते हुए कहा कि भाई तुम्हारी बहुत उड़ने की इच्छा है, इसलिए हम तुम्हें लेकर चलते हैं, मगर तुम टाइट मुंह से पकड़े रहना, उसे छोड़ना नहीं, वरना हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि एक छोर को हम पकड़े रहेंगे, दूसरे छोर को दूसरा पकड़ा रहेगा। कछुए ने कहा, हाँ भाई मैं भी समझता हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं भी टाइट पकड़ा रहूँगा। जब कछुए ने विश्वास दिलाया तो बगुलों ने लकड़ी का टुकड़ा आपस में एक एक छोर पकड़ करके बीच के छोर को कछुए से टाइट पकड़ने के लिए कहा। जब कछुए ने टाइट पकड़ लिया तो वो तीनों के तीनों हवा में उड़ चले। कछुए को तो बड़ा मज़ा आने लगा, क्या ठंडी ठंडी हवाएं, चारों ओर बड़े बड़े पहाड़, पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से निकलना बड़ा मज़ा आ रहा था। बादलों के बीच में कभी घुस जाना, कभी बाहर आ जाना, क्या मज़े की दुनिया है ये भी वह सोच रहा था। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने जिद की, मुझे दूसरा गार्डन और दूसरे तालाब की भी सैर करा लो। अब बगुले उसे दूसरी ओर ले जाने लगे। जब वे लोग एक बगीचे के ऊपर से उड़ रहे थे, उस बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने जब कछुए को देखा तो वे चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो, कछुआ हवाओं में उड़ रहा है। किसी ने कहा कि अरे कछुआ कैसे उड़ेगा? दूसरे दो तीन दोस्तों ने कहा, अरे भाई कछुआ ही है, कछुआ मगर कैसे उड़ सकता है? दो तीन लड़कों ने कहा, जरूर वो किसी दूसरे पक्षी की पंख छीन छान के लगा लिया होगा, वरना उसके पास तो पंख ही नहीं है। अब तो कछुए से नहीं रहा गया, वह गुस्से में चिल्लाया, देखते नहीं मैंने किसी पक्षी के पंख नहीं लगाए हैं। उसका ये कहना था और लकड़ी की डंडी उसके मुंह से छूट गई। अब तो कछुआ धड़ाम से नीचे गिरा और नीचे गिरने लगा। बगुले चाहते हुए भी उसे नहीं पकड़ पाए और उस नीचे जाकर जोरों से पानी के अंदर गिरा। अब बगुले क्या करते? कहानी यहीं पर ख़त्म होती बेटा, लेकिन आप लोग क्या समझे इस कहानी से, क्या शिक्षा मिलती? यही कि हमें हमेशा बुद्धि और शांति से काम लेना चाहिए। कभी भी हड़बड़ाहट में अपना सोचा और निर्णय लिया हुआ काम जो है उसे नहीं बदलना चाहिए। अच्छी लगी कहानी?